हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये क्लॉक बनाएंगे, एंटिक लुक में है लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। तो ये आप स्टेप टू स्टेप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये आप बहुत ही अच्छे से बना भी पाएंगे। और इसमें हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, फुली DIY है तो बहुत ही रिजनेबल भी है। अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थिक कार्डबोर्ड लिया है और काफ़ी बड़ा मैंने कार्डबोर्ड लिया है, तो इसके ऊपर मैं एक और कार्डबोर्ड को पेस्ट करूँगी ताकि ये थोड़ा भी मुड़ ना जाए, क्योंकि अगर इतना बड़ा कार्डबोर्ड आप सिंगल लेंगे तो वो मुड़ जाएगा, तो इसलिए अच्छा है दो पीस आप यहाँ पर यूज़ करें। मैं यहाँ पर क्लॉक लगाने वाली हूँ, उसी के हिसाब से बड़ा और छोटा कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और ये बैक साइड में पूरा टेप लगा दिया है, बारिश का मौसम है तो ख़राब ना हो। ये मैं यहाँ पर केन का यूज़ कर रही हूँ, जो लहंगे में केन लगाई जाती है अंदर की तरफ, आपके पास पड़ी हो तो आप ये टेक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अलग सा टेक्सचर आ जाएगा, क्ले का वेट भी ना हो। जब हम कार्डबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा वेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर और भी वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं टेक्सचर ना देते हुए बहुत ही अलग और लाइट टेक्सचर दे रही हूँ केन के साथ, और इसको हम नाइफ के साथ कट कर लेंगे। स्केल और पेंसिल के साथ यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और ये मार्केट में लेस इजीली मिल जाती हैं तो ये भी हमारा टेक्सचर काम करेंगे। तो इसको हम सिंगल कट करके यहाँ पर फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, वैसे ये लेस हर जगह पर मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्ले वर्क स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर पेपर मैशी क्ले के साथ वर्क कर रही हूँ, आप चाहे तो मोल्डेड के साथ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप पेपर मैशी क्ले, मार्बल डस्ट क्ले और मोल्डेड बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने सारी ही क्ले बनानी सिखाई हुई हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी क्ले बनानी मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर टूल के साथ टेक्सचर दे रही हूँ, आप किचन का जो नाइफ होता है उसके साथ भी ये टेक्सचर डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने एक बेसिक कलर दे दिया है, हमने यहाँ पर ब्लैक कलर किया है। अब यहाँ पर टेक्सचर को निकालने के लिए स्काई ब्लू कलर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ टेक्सचर जो हम डाल रहे हों वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में ब्लैक के ऊपर गोल्डन यूज़ कर देते हैं, तो मैं यहाँ कुछ डिफरेंट बनाने के लिए कि आपको थोड़ा डिफरेंट सिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर ब्लू के साथ लिया है। ये तो बहुत ही हल्का हल्का कलर करना है, टेक्सचर के अंदर भरना नहीं है। और आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लॉक लगाई है, तो इस क्लॉक की जगह आप यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर अपने फ़ोटो भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है जो आप यहाँ पर लगाना चाहें। पर हम लेंगे गोल्डन कलर और गोल्डन कलर के साथ सिर्फ इसको हल्का हल्का हाईलाइट करेंगे। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पर डिज़ाइन हाईलाइट। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने बहुत ही अलग सा, क्योंकि हर चीज़ों में हम कलरफुल बनाते हैं, तो यहाँ पर एंटिक लुक भी मैंने दिया है, तो मैंने वो भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरी वीडियो को देने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर। और अपनी खूबसूरत सी क्लॉक को सिक्योर करने के लिए आप इसके ऊपर वार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेजिन डाल रही हूँ, और रेजिन डाल के देखिए लुक ही चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर हाथ में कुछ पहनकर, मैंने पॉलिथीन डाली हुई है तो उसी के साथ मैं इसको यहाँ पर फैला रही हूँ, तो देखिए रेजिन डाल के बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मुड के ऊपर इस तरह से रेजिन डालने के बाद आप किससे पूछ के देखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वुड पे है या सिर्फ कार्डबोर्ड पे है। ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।